अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमामीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। तो जी आज मैंने बनाया है सुबह ही, तकरीबन सुबह नहीं है, यह तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और मैंने बनाया है सूप। हम दोपहर में सूप इंजॉय करेंगे और सूप डन होने वाला है बिल्कुल, यानी कि डन हो ही चुका है। तो बस मैंने थोड़ा सा और रखा हुआ है कि थोड़ा सा ना वो जो अंडे की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, अंडा डाला हुआ है इसके अंदर। ये है चिकन एग सूप, तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत यमी बनता है। तो ये कम्प्लीट हो गया, ये देखते हैं, ये डन है। तो और साथ में ही जी मैंने हंडिया रखी हुई है, अब मैं बनाने लगी हूँ हंडिया। हंडिया में बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू गाजर का सालन, और क्योंकि शाम में गैस जा रही है, गैस का बहुत मसला हो रहा है, तो मैंने इसलिए कहा कि इसी टाइम पे ही 12:30 को गैस आ जाती है, तो काम करते कराते भी गैस भाग जाती है, तकरीबन 2-2:30 बजे गैस चली जाती है वापस। तो मुझे ये होता है कि हंडिया बन जाए और दोपहर में भूख लग जाती है, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ होता है तो फिर दोपहर में ज़रूर भूख लग जाती है, 2-2:30 बजे तो बिल्कुल भूख लगी हुई होती है। तो खाना डन होना चाहिए, फिर शाम में भी आराम से यही गर्म किया और खा लेते हैं। तो चलें जी जल्दी से सूप बन गया वो पियेंगे हम लोग अभी, और जल्दी से सालन बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। अगर किसी को भूख लगी हुई तो जल्दी से रोटी भी बना लेंगे, नहीं तो फिर शाम में रोटी बनाएंगे और सालन डन हो जाएगा, क्योंकि शाम में गैस आती है 6:30 बजे तक आती है, उस वक्त तो सब बच्चों को भूख लगी हुई होती है, घर में भूख हो रहा होता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा गैस कहाँ कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ तंग कर रही है। मेरा ख्याल में तो सारे पूरे मुल्क में ही तंग कर रही होगी, क्योंकि गैस का बहुत मसला बना हुआ है। और जी ये जो मरी का जो हम लोगों ने सुना है उसका तो बहुत अफसोस हुआ है। तो प्लीज़ ये जो हम लोग सर्दियों में भागने की कोशिश करते हैं ना कि चलें जी बर्फ़बारी देखते हैं, तो कुछ जब हमसे सर्दी यहाँ पे ही बर्दाश्त अपने यानी कि अपने शहरों में ही बर्दाश्त नहीं हो रही होती, अपने घरों में ही बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो वहाँ बर्फ़बारी देखने का कोई फ़ायदा नहीं जब हम सर्दी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और इतना जबकि वो बार बार कह भी रहे थे, खबरों में बार बार बोल रहे थे कि नहीं आए नहीं आए, यहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ पीछे ही खड़ी हैं, तो उसके बावजूद भी दुनिया भाग रही होती है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें और नहीं जाया करें, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाने का क्या, क्योंकि ठंड है, बच्चे कहाँ बर्दाश्त करते हैं इतनी ठंड। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें और ऐसे सर्दियों में मत जाया करें, अगर जाना ही है तो गर्मियों में जाएँ ताकि इंजॉय कर लें। और मौसम वहाँ पर उस वक्त ठंडा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी हो रही होती है, उधर ठंडा ही मौसम होता है वहाँ पे गर्मियों में मरी में। तो प्लीज़ गर्मियों में जाने की ज़्यादा कोशिश किया करें, सर्दियों में मत जाया करें, बर्फ़बारी देखने का कोई फ़ायदा नहीं जब अपने ही प्यारे हम खो दें वहाँ जाके। सेटिंग भी चेंज कर दी है बच्चों ने, खुद ही की है, और इस रूम में ये प्लंग ले आए हैं इधर, और उधर उन्होंने सेटिंग किया। उस कमरे में कुछ नया आया है जो कि रहमान ने लिया है, बल्कि खुद बनाया है, उसको कोशिश की है। तो इस रूम की सेटिंग ये है, और जी ये देखिए रहमान ने ये सेटिंग कर ली है अपने रूम की, और ये सूप अभी तक पिया नहीं आपने, ठंडा हो गया, इसकी आवाज़ बेटा कम कर दो। और ये जी चले रहमान ही बताएगा ये क्या लिया है और क्या बनाया है इसलिए खुद ही इसको। ये मैंने पीसी बनाया है अपने एलईडी के साथ। एलईडी के साथ ये घर में जो एलईडी लगी हुई थी ना उसके साथ इसने पीसी अपनी खाला से लेके आया, और इसने एलईडी के साथ ये सेटअप सारा कर लिया है। और ये की बोर्ड लेके आया था, ये कितने का आया था की बोर्ड आपका? ये 1750 का। हाँ ये कुछ चीज़ें और वो जो छोटे छोटे सी स्पीकर, हाँ स्पीकर है ना, तो वो नज़र नहीं आ रहे, तो ये भी ये खुद लेके आया है और इसने बनाई। ये है इसकी पीसी ये खुद लेके आया, ये खाला से लेके आया, सवेरा खाला से लेके आया है, और ये एलईडी घर थी तो इसने ये सारा सेटअप कर लिया। और ये एक चीज़ खरीदी है हम लोगों ने, और ये स्पीकर लेके आया है, ये स्पीकर, और ये कीबोर्ड जो खरीद कर लाया है, ये इतने के 1750 का ये कीबोर्ड है। तो ये जी
अपना सेटअप करके अपने रूम का बैठा हुआ है माशाल्लाह से। और यहाँ पे जी सूप हम लोग सब पी रहे हैं साथ साथ में, और ये जी हंडिया ये भी बन रही है। जब मट्टी वाली हंडिया में सालन बनाते हैं तो बस फिर ये एक बात का खास ख्याल रखा करें कि पास खड़े होके इसको बनाना होता है, क्योंकि ये मट्टी वाली हंडिया जो है ना जल्दी ही नीचे लग जाती है, तो इस वजह से पास खड़े होके बार बार इसके अंदर चमचा लगाते रहना। ये ये डोई लकड़ी वाली डोई इसको कहते हैं या चमचा कहते हैं, तो असी तो इन्हें डोई ही आखते हैं तो हम तो डोई कहते हैं, हम पंजाबी हैं ना तो हम डोई कहते हैं इसको, लकड़ी की है। तो ये जी साथ साथ लगाते रहें ताकि हंडिया नीचे नहीं लगे, और बहुत मज़ेदार इसमें सालन बनता है। तो मैं अक्सर ही इसमें सालन बनाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है, और गर्म काफ़ी देर तक रहता है। तो जैसे गैस जा रही है ना, तो इन दिनों ये हंडिया जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी देर तक इसमें सालन गर्म रहता है। वैसे तो ओवन भी है घर में, गर्म भी हो जाता है, लेकिन हंडिया में काफ़ी देर तक गर्म रहना ये बड़ा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है जी। रात में अभी मैंने शाम में जैसे गैस आई है तो रोटी बनाई, बच्चों ने खाई है, उसके बाद जी गर्मा गर्म ये जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं वो मैंने दूध वाली सेवइयाँ बनाई हैं गर्मा गर्म, और बहुत मज़ेदार यम्मी सी ये सेवइयाँ लगती हैं। और जी अब मैं इंजॉय कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा किस किस को दूध वाली कलरफुल सेवइयाँ पसंद हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी। देखिए जी रात के टाइम भी कोई पराठा खाता है, पर इतना खाती है, इतना बना रही है अपने लिए पराठा, और साथ में आलू गोभी का सालन बना हुआ है, और वो करेगी इंजॉय, कह रही पराठे के साथ ही मज़ा आता है। तो यही थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। और जी इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है लाइफ ऑफ इन्ना के नाम पर, प्लीज़ वहाँ पर भी जाके जल्दी से फॉलो कर लें। और ये देखें मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल थोड़े से राइस, ये देखिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।